रनौत जी माफ़ी मांगे और कंगना रनौत से, ये सिर्फ कंगना रनौत से माफ़ी नहीं है, ये पूरे देश की महिलाओं से, ये जो सारी आई हैं अपना कामकाज छोड़ के ये इसलिए नहीं आई हैं, ये इसीलिए कि हरामखोर शब्द का यूज जो है वो कोई पुरुष किसी महिला के लिए नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो संजय राउत जी ने कैसे किया है और करने के बाद वो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मराठी में नौटी को कहा जाता है। तो मैं कहूंगी कि आज के बाद हर औरत आपके लिए इसी शब्द का इस्तेमाल करे, क्योंकि आप तो बहुत नौटी हैं संजय जी, आप तो सबसे ज्यादा नौटी। संजय राउत माफी मांगो, संजय राउत माफी मांगो, संजय राउत शर्म करो, संजय राउत शर्म करो, संजय राउत शर्म करो, शर्म करो, संजय राउत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और संजय राउत को माफी मांगनी ही पड़ेगी, और अगर उनको लगता है कि बात नहीं सब जाएगी तो ऐसा नहीं है। मैं आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हूँ नेशनल वुमेन कमीशन में नेहा शालिनी तो, और कोई बड़ी बात नहीं कि मैं महाराष्ट्र भी चली जाऊँ और मुंबई में भी जाके ये हंगामा होगा। अगर संजय राउत जी की हिम्मत है तो वो मुझे रोक ले, जैसे कंगना रनौत को उन्होंने धमकी दी है वैसे मुझे भी धमकी दे सकते हैं, और मुझे गवारा है क्योंकि यहाँ कोई महिला उनसे डरने वाली नहीं है। हम लोग आज अपना काम वगैरह छोड़ के इसीलिए यहाँ आए हैं कि ये सभी महिलाओं का अपमान है जो कोई सहेगा नहीं। तो संजय राउत, संजय राउत, अरे जरा ऊंचा बोलिए कि संजय राउत को सुनाई दे, संजय राउत माफी मांगो, संजय राउत माफी मांगो। नेहा शालिनी दुआ। नेहा जी क्या कहेंगे, आज आप राष्ट्रीय महिला आयोग दफ्तर आई हैं और कोई शिकायत नहीं है संजय राउत के खिलाफ, क्या है शिकायत? ये देखिए, ये रही शिकायत का पर्चा मेरे हाथ में है जिसमें साफ साफ लिखा है कि हमें एक रिटर्न अपोलॉजी चाहिए और वर्बली भी, वैसे तो वर्बली भी इसकी भी ज़रूरत है। जैसे उन्होंने मीडिया के सामने कंगना रनौत के लिए हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि किसी भी महिला को एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब हमें मंजूर नहीं है कि किसी भी महिला के लिए ये शब्द, बदतमीज़ आप कह सकते हैं, सरफिरी आप कंगना को कह सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है। तो जब अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी पुरुष को है तो एक महिला को क्यों नहीं, यहाँ तो आप डिस्क्रिमिनेशन साफ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि औरतें महिलाएं सेफ नहीं है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग कंगना के लिए किया है तो वहाँ की सभी महिलाओं को ये सोच लेना चाहिए। आज कंगना तो कल आप, जो इंसान खराब है वो सबके लिए खराब है, जरूरी नहीं है कि आज वो कंगना के लिए खराब है, कल को वो आपके लिए भी खराब होगा, आपकी बेटियों के लिए भी खराब होगा, आपकी बहुओं के लिए भी खराब होगा, कोई भी शब्द यूज कर सकता है। तो आज ही अगर उनको ना रोका गया और उनसे माफी नहीं मंगवाई गई तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो जाएगी और महाराष्ट्र में औरतें सेफ नहीं रहेंगी, ना लड़कियां सेफ रहेंगी ना औरतें सेफ रहेंगी। तो ये डिमांड करते हैं, हमारी मांग है कि वर्बली जैसे बोला है वैसे एक रिटर्न अपॉलोजी करें कि माफ कर, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से जो अपशब्द निकले हैं उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि आपको जेल में बिठा देंगे, लेकिन हम सिर्फ एक मुंह से माफी, रिटर्न माफी चाहते हैं संजय राउत।